अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? मैं यहाँ ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो आपका स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। तो यहाँ पे बन रहा है अफ्तार के लिए शरबत। तो शरबत में बना रही हूँ मैं रसना। तो पहले मैंने पानी के अंदर ये जो है रसना डाल दिया था, और एकदम लास्ट में ही बनाना मैंने स्टार्ट करा था, क्योंकि पानी जो था ना एकदम फ्रीजर में मैंने रख रखा थी एक बोतल, एकदम चिल्डम चिल्ड पानी हो रहा था। तो बस पानी में थोड़ी सी चीनी घोली थी मैंने और रसना डाला, और फिर उसके बाद अपना पानी डाल दिया। और ये देखिए आज भी ये जो चाट है, चना चाट, दाल, चने की दाल की चाट, ये मेरे हस्बैंड बनाने वाले हैं। तो सब चीज़ें मैंने कट करके रख दी हैं। तो सबसे पहले दाल के अंदर डाला मेरे हस्बैंड ने मिर्चें। तो मिर्च कुटी हुई ख़त्म हो गई थी इसलिए हमने पिसी हुई डाल दी, और उसके अंदर डाले थोड़ा सा यानी कि स्वाद अनुसार नमक भी डाल देना है। और ये जो है ना, देखिए इनकी टेक्निक देखिए, ये जो नमक डालने का स्टाइल है ना, कुछ अलग ही है, कुछ लाजवाब सा लगता है मुझे तो। तो ये इन्होंने नमक डाल दिया, और अब जो मैं कहने लगी कि इसके अंदर जो ये रखी हुई है प्याज वगैरह ये डाल दो, तो बोले नहीं, पहले मिक्स करते हैं फिर उसके बाद डालते हैं। तो फिर अब डालने हैं ये प्याज और टमाटर और हरी मिर्च, ये सब चीज़ें इसके अंदर डाल के अच्छे से इसे मिक्स मिक्स करेंगे। और ये देखिए आराम आराम से करते हैं हम काम, हम जल्दीबाजी नहीं है। और बिल्कुल रोज़ा खोलने का टाइम हो रहा था, मैंने कहा कि चलो मेरी हेल्प कर दो। तो देखिए कितने आराम से कर रहे हैं, और मेरा टाइम उसमें गया क्योंकि मैं तो शूट कर रही थी। तो फिर इसके बाद इन्होंने इसे अच्छे से मिक्स किया, मिक्स मिक्स, और फिर उसके अंदर हम डालना भूल गए थे थोड़ा सा चाट मसाला। तो चाट मसाला भी थोड़ा सा ही डाला था, क्योंकि चाट मसाले में पता नहीं नमक मुझे तेज़ सा लग रहा है, जिस भी चीज़ में डालती हूँ ना नमक की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैंने इनसे कहा कि थोड़ा सा ही डालना, और फिर उसके बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। और इसमें नींबू भी डलता है, पर नींबू था नहीं ना हमारे पास इसलिए हमने नींबू नहीं डाला था। और ज़्यादा ये कहने लगे कि मुझे खट्टा नहीं खाना, तो इस वजह से अब था भी नहीं और डाला भी नहीं। तो फिर उसके बाद हमारी चना चाट जो है बिल्कुल तैयार हो गई थी, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रही है देखने में। और मैंने फिर उसके बाद जल्दी से ही बना लिए पकोड़े, क्योंकि मेरे हस्बैंड मुझसे पूछने लगे कि क्या कुछ बना रही हो। तो मैंने बोला चलो पकोड़े बना देती हूँ तुम्हारे लिए, क्योंकि आज तो ये घर पे थे तो इनके लिए पकोड़े बनने तो चाहिए। चलिए तो फिर मैंने और आलू जो है ना बड़े छोटे छोटे से थे, तो छोटी छोटी सी पकौड़ियाँ बन रही हैं, पर क्या कर सकते हैं। अब बड़े आलू होते हैं तो मुझे फ्रेंच फ्राइज़ याद आते हैं, अब कभी बड़े आलू लेकर आऊँगी ना तो फ्रेंच फ्राइज़ बनाऊँगी, या चिली पटेटो, उस दिन बहुत ज़्यादा यमी बने थे। तो जल्दी जल्दी से मैंने अपनी पकौड़ी फ्राई करी, फिर निकाल दी थी, फिर डबल फ्राई करती हूँ ना उससे करारी हो जाती हैं। और ये देखिए अब जो है ना बिल्कुल टाइम हो गया था ये शरबत निकाल लेते, खजूर हम खा चुके थे, तो इन्होंने बोला चलो मैं निकाल देता हूँ। और ये पापड़ के साथ मैंने पापड़ तोड़ा और इस दाल के साथ खाया, कि कचरी के साथ तो ये अच्छा लगता ही है दाल वगैरह। और माशाल्लाह से हमारे पूरे 20 रोज़े हो चुके हैं और पता भी नहीं चला, और अब बस सिर्फ 10 ही रोज़े बचे हुए हैं। और ये मैंने पुदीना जो सुखाया था ना, ये वो है सूख चुका है, तो इसकी डंडी वगैरह अलग करके मैं इसे एक पन्ने में करके इसे रख दूँगी, क्योंकि इसकी खुशबू बाहर ना निकले, तो खुशबू उड़ जाती है तो फिर बेकार हो जाता है। तो ऐसे सूखा हुआ रखा होता है ना तो सही है रहता है, अपना सुखा के ही रख देती हूँ मैं, इसे स्टोर करके रखना है ना थोड़ा इजी पीजी हो जाता है। तो इस वजह से मैंने इसे अच्छी तरह से ना डंडियों में से निकाल लिया था और इसे पिंडी में करके, और है ना अब इसे मैं थोड़े फ्रिज में रख दूँगी, बाद में इसको इसकी डिब्बी में करूँगी। और आज मैंने बनाए हैं आलू और नकली वाला कीमा, नकली वाला कीमा यानी कि सोयाबीन का कीमा बनाया था मैंने, और बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से बनाया। बस मैंने इसकी वो शूट करना ही भूल गई क्योंकि मुझे बहुत जल्दी थी। तो मैं किसी दिन आपको फिर बताऊंगी कि किस तरीके से बना था ये, और बहुत ही ज़्यादा यमी यमी। तो ये बहुत दिनों बाद मैंने बनाया था तो इसलिए हमें अच्छा लग रहा था, वरना तो ज़्यादा दिन तक खाते रहो एक ही चीज़ तो अच्छी नहीं लगती। तो बहुत दिनों बाद बने हमारे घर में ये, और मेरे हस्बैंड को तो वैसे भी सोयाबीन बहुत पसंद है, और उसके बाद हम सो गए थे और ये हो गया सहरी का टाइम। तो जेंगो और जानू है ना अन्ना बन गई हैं, 24 घंटे चौकन्नी रहती हैं, उठी रहती हैं, और यहाँ पे सहरी जो है मैंने बना ली है। तो आज हमारे घर में पानी ख़त्म हो गया था क्योंकि पानी वाले भैया आए नहीं थे, तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। तो हमने सामने वाले अंकल से पानी लिया था एक बोतल, और एक बोतल रखी हुई थी हमारे घर में। तो ये देखिए ये इंतज़ार कर रही थी कि हमें कुछ देंगी खाने पीने के लिए, तो इनके लिए तो कुछ ऐसी है ही चीज़। तो यहाँ पे ये जेंगो बैठे हुए आराम से मस्ती कर रहे हैं, क्योंकि ये इनका जो खिलौना है ना आज मुझे मिल गया था। तो इस व्लॉग को मैं यहीं कर रही हूँ एंड, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।